हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब पर स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, चाणक्य की नीति वर्सेज ऑन लाइफ एंड लिविंग पुस्तक के लेखक है कौन है? A.N.D. हक्सर जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने? कौन बने? राजीव बंसल जी बने। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग किया? किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, मूव 2020 किस शहर में आयोजित की गई? किस शहर में? लंदन में। अगला हमारा प्रश्न है, ESI कॉरपोरेशन की 121वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है कब? मनाया जाता है फरवरी महीने के तीसरा शनिवार, ठीक है, थर्ड सैटरडे। इस वाला 2020 का कब पड़ा? 15 फरवरी को। अगला हमारा प्रश्न है, गल्फूड 2020 कहाँ किया गया? कहाँ पर आयोजन किया गया? दुबई, UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन बनेगा? भारत, गुजरात के गांधीनगर में होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर और सबसे शांत शहर कौन घोषित हुआ? कौन? मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला हमारा प्रश्न है, टू वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अवधारणा को विकसित करने के लिए चुनाव आयोग ने किस संस्थान से भागीदारी की? किससे? IIT मद्रास से। अगला हमारा प्रश्न है, द क्रॉस फायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक हैं कौन है? धीरेन्द्र तिवारी जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोयला क्षेत्र में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, कोयला क्षेत्र में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता कौन कौन बने? गोपाल सिंह जी। अगला हमारा प्रश्न है, द एलिफेंट गर्ल उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? चित्तरंजन दास जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गांधीनगर में चल रहा COP CMS 13 सम्मेलन में 2020 यह वर्ष सुपर ईयर फॉर घोषित किया गया। कौन? सुपर ईयर फॉर एनवायरनमेंट घोषित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, 3 वर्षों के लिए प्रवासी प्रजातियों पर पक्षी सम्मेलन के लिए अध्यक्ष कौन बना? भारत बना, हमारा प्यारा भारत। अगला हमारा प्रश्न है, गो एयर हवाई स्पेस सेवा के नए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी कौन बने? कौन बने? प्रवीण अय्यर जी बने। अगला हमारा प्रश्न है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH जूनियर पुरुष विश्व चषक का मेजबान देश बनेगा कौन बनेगा? हमारा मेजबान देश कौन बनेगा? भारत बनेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मेजबान देश कौन बनेगा? हमारा भारत बनेगा, जो जूनियर होगा, ठीक है, जूनियर पुरुष की। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने YouTube चैनल स्टडी हब को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार और स्नेह बनाए रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।